आपको बताऊंगा कि इंडक्शन मोटर की जो रोटर फ्रीक्वेंसी होती है वो हम कैसे फाइंड करते हैं। इसलिए हम रोटर फ्रीक्वेंसी जो इंडक्शन मोटर की होती है उसका फॉर्मूला लिखते हैं एफ आर इक्वल्स एस टाइम्स यानी स्लिप टाइम्स जो सप्लाई फ्रीक्वेंसी है वो, ये फॉर्मूला हम लिखते हैं। ठीक है, तो ये बेसिकली आता कहाँ से है, तो जब रोटर फ्रीक्वेंसी हम निकालते हैं, रोटर फ्रीक्वेंसी जो होती है इसको हम डिटरमाइन करते हैं, डिटरमाइन या फिर बोल सकते हो ऑब्टेन फ्रॉम रिलेटिव स्पीड। रिलेटिव स्पीड आपकी जो रिलेटिव स्पीड होती है उससे हमारी अपनी ये रोटर फ्रीक्वेंसी निकलती है इंडक्शन मोटर की। ठीक है, तो पहले एक बार रिलेटिव स्पीड क्या होती है वो मैं आपको समझा देता हूँ। रिलेटिव स्पीड, ठीक है। अब आपको इतना तो पता ही होगा कि जो इंडक्शन मोटर होती है उसके दो मेन पार्ट होते हैं। एक आपको होता है स्टेटर जो कि स्टेशनरी होता है जो कि बेसिकली घूमता नहीं है, और एक आपको होता है रोटर। ठीक है, तो लेट से आपकी ये आपकी एक स्टेटर है। ठीक है, स्टेटर की बॉडी है, स्टेटर बॉडी। अब सिंस क्या स्टेटर बॉडी घूमती नहीं है तो इसकी स्पीड क्या होगी, जीरो। इसको ऐसे ना लिख के, ऐसे लिख के रखता हूँ, 0 RPM बेसिकली ये घूमती नहीं है। ठीक है, सेकंड, अब स्टेटर बॉडी है उसमें आपने 3 फेज करंट दिया है, उसकी वजह से क्या फ्लक्स, स्टेटर फ्लक्स प्रोड्यूस होगा, तो ये क्या हो जाएगा, स्टेटर फ्लक्स, स्टेटर फ्लक्स। अब जो फ्लक्स है स्टेटर का वो सिंक्रोनस स्पीड से रोटेट करता है, तो NS RPM। ठीक है, अब स्टेटर फ्लक्स की वजह से क्या होगा, रोटर जो होगा, रोटर बॉडी उसमें रोटर फ्लक्स प्रोड्यूस होगा, तो ये आपका क्या हो जाएगा, रोटर फ्लक्स। ये आपका हो गया रोटर फ्लक्स। इसकी स्पीड भी क्या होती है, NS RPM। ठीक है, रोटर फ्लक्स के बाद क्या आएगा, अपनी जो रोटर बॉडी होगी वो, ये आपकी क्या हो गई, रोटर बॉडी। रोटर बॉडी किस स्पीड से घूमती है, NRPM। एन कोई भी इसकी स्पीड है जो कि सिंक्रोनस स्पीड से कमी होगी। ठीक है, तो ये चार जो है आप समझ गए होंगे क्या क्या है। ठीक है, तो अब जैसे मेरे को निकालनी है रिलेटिव स्पीड बिटवीन स्टेटर बॉडी और स्टेटर फ्लक्स। ठीक है, तो स्टेटर बॉडी की स्पीड क्या है, 0 RPM, तो 0। ठीक है, माइनस स्टेटर फ्लक्स की स्पीड क्या है, NS, तो ये क्या है, 0 माइनस NS, तो स्पीड क्या आई, -NS। तो रिलेटिव स्पीड बिटवीन स्टेटर बॉडी और स्टेटर फ्लक्स क्या है, -NS। नेक्स्ट देखते हैं, रिलेटिव स्पीड बिटवीन स्टेटर फ्लक्स और रोटर फ्लक्स। स्टेटर फ्लक्स की स्पीड क्या है, NS। रोटर फ्लक्स की स्पीड क्या है, NS। स्पीड क्या आ गई, 0 RPM। ठीक है, तो स्टेटर फ्लक्स और रोटर फ्लक्स के बीच की जो रिलेटिव स्पीड है वो है 0। ठीक है, रिलेटिव स्पीड बिटवीन स्टेटर फ्लक्स और रोटर बॉडी, स्टेटर फ्लक्स की क्या है, NS। रोटर बॉडी की क्या है, N। ठीक है, NS-N। नेक्स्ट क्या है, रिलेटिव स्पीड बिटवीन रोटर फ्लक्स और रोटर बॉडी, रोटर फ्लक्स की स्पीड क्या है, NS, और रोटर बॉडी की क्या है, N। ठीक, RPM। तो ये को जो कॉन्सेप्ट है रिलेटिव स्पीड का, या यूज होता है आपका जब आप रोटर की फ्रीक्वेंसी निकालते हो। तो जब रोटर फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला, नॉर्मली आपने ये फॉर्मूला तो सबने पढ़ रखा होगा, NS इक्वल्स टू 120 F डिवाइडेड बाय P। ठीक है, तो यहाँ से अगर मैं F का फॉर्मूला निकालता हूँ सिंपल, तो NS टाइम्स P डिवाइडेड बाय 120। ठीक है, अब जो आप रोटर फ्रीक्वेंसी निकालते हो FR, तो आप सिंक्रोनस स्पीड को ना यूज करके रिलेटिव स्पीड आपकी यूज होती है, तो वो हो जाएगी रिलेटिव स्पीड आपकी NS यानी सिंक्रोनस स्पीड -N। ठीक है, आपकी स्पीड हो गई मल्टीप्लाई पोल्स जो है आपके डिवाइडेड बाय 120। ठीक है, इसको अगर मैं सिंपली थोड़ा बहुत सॉल्व करता हूँ, तो FR इक्वल्स NS P डिवाइडेड बाय 120 माइनस NP डिवाइडेड बाय 120। ठीक है, FR इक्वल्स
अब स्लिप का जो फॉर्मूला होता है आपका वो होता है एस इक्वल्स सिंक्रोनस स्पीड माइनस रोटर स्पीड डिवाइडेड बाय सिंक्रोनस स्पीड। ठीक है, तो अब आपका जो था सिंपल एडिशन एन एस माइनस एन पी डिवाइडेड बाय 120, राइट। इसमें हम क्या करते हैं एन एस से एक बार ऊपर मल्टीप्लाई और एक बार नीचे मल्टीप्लाई। ठीक है, तो अब इसमें ये क्या हो जाएगा एफ आर इक्वल्स हो जाएगा एन एस पी डिवाइडेड बाय 120, राइट, मल्टीप्लाई एन एस माइनस एन डिवाइडेड बाय एन एस, और ये आपका क्या होता है स्लिप। ठीक है, तो जो रोटर रोटर फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी आपकी स्लिप यानी एस, और ये आपकी क्या है सप्लाई फ्रीक्वेंसी एफ, तो ये क्या होगी एस इंटू एफ, तो ये आपका हो गया रोटर फ्रीक्वेंसी का जो आपका डेरिवेशन होता है। ठीक है, तो आई होप आप समझ गए होंगे कि रोटर फ्रीक्वेंसी जो होती है उसका जो फॉर्मूला हम यूज़ करते हैं वो कहाँ से आता है, और आप ये भी समझ गए होंगे कि रिलेटिव स्पीड का कॉन्सेप्ट क्या है इंडक्शन मोटर में। ठीक है, तो थैंक यू वेरी मच।